Today we are going to do this painting. This is on 4x4 inch canvas and इसका design मैंने सबको already भेज ही दिया था, तो I hope आप लोगों ने draw या trace कर लिया है. So let's start and let's see what all things we are going to need for this painting. Okay? तो मैं ये वाला window close करूँगी and दूसरा window on करती हूँ. Okay? Okay, so I guess ये आ रहा है सही है ना. सही है. तो ये हमारी आज जो हम बर्ड करेंगे वो बर्ड है. ओके. So for today's class, we are going to need canvas. This design which I have given you is for 4x4 inch canvas. तो छोटे canvas के पे ही किया है. जिसका canvas बड़ा है, या तो वो दो birds बना ले, या फिर वो एक बड़ी bird बना ले, whatever, जो अच्छा है. So usually, मतलब I prefer कि मैं ये जरूर बताऊं कि अपने हिसाब से improvise करते रहना चाहिए painting. मतलब जैसे जैसे you keep doing painting, you keep learning new tricks, new techniques, new things, तो उसके हिसाब से अपनी painting को improvise करते रहो. तो we are going to do this painting today. इसके लिए अगर आपके पास teal blue color है, तो take teal blue color. अगर टील ब्लू नहीं है तो टेक अल्ट्रामेरिन, ये क्योंकि यूजुअली सारे ही सेट्स में होता है. तो अगर टील ब्लू है तो टील ब्लू यूज कर लेना, नहीं है डजंट मैटर, यूज अल्ट्रामेरिन ब्लू. ओके. देन वी आर गोइंग टू नीड ऑरेंज कलर, देन क्रिम्सन. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल नीड व्हाइट कलर एंड थोड़ा सा इसमें ग्रे भी है. तो ग्रे के लिए मेरी वाली इस पेंटिंग में मैंने क्या किया था कि मेरे पास ये पर्ल ब्लैक था. आई हैड दिस पर्ल ब्लैक कलर. ओके. तो मैंने इसको यूज किया था. तो ये थोड़ा सा शाइनी होता है. इफ यू हैव सीन पर्ल कलर्स, फेविक्रिल के पर्ल कलर्स में थोड़ा सा शाइन होता है. तो दिस ग्रे जो है इट केम आउट टू बी अ बिट शाइनी. ओके. If you don't have this, doesn't matter. You can use your normal plain black. Okay? So plain black acrylic color, white acrylic color, then ultramarine blue or teal, whatever you have, you can use that. Then orange and crimson. Brushes mein, ek to flat brush chahiye hoga hamein, kyunki background ko color karna hai. So flat brush mein, you can use any flat brush. This is 6 number. You can use, if not 6, you can use any other flat brush. जो भी number का flat brush है आपके पास, you can use. अगर flat brush नहीं है, don't worry, you can do with round brush also. This is 4 number flat brush. तो वो भी use कर सकते हैं. Round brush में जो पतला वाला outlining का brush है, वो तो हमें चाहिए ही. 1 or 2 or 0 जो भी है. एक और राउंड ब्रश चाहिए होगा विच इज अ बिट थिकर. तो दिस इज 6 नंबर राउंड ब्रश. ओके. तो 6 नंबर, 1, 2 और 0 नंबर राउंड ब्रश, फिर 1 फ्लैट ब्रश पतला वाला, इधर 4 नंबर और 6 नंबर या व्हाटएवर नंबर यू वांट टू यूज. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में व्हाट वी डिड इज वी मिक्स्ड व्हाइट विद ब्लू. तो अगर यू आर यूजिंग अल्ट्रामरीन ब्लू, मेक श्योर कि वो बहुत हल्का सा हो, जस्ट अ टिंज ऑफ अल्ट्रामरीन ब्लू. ओके. एंड इफ यू आर यूजिंग टील ब्लू कलर, देन यू कैन गो अहेड एंड मिक्स व्हाइट विद टील ब्लू.
सो दिस इज माई टील ब्लू कलर. यस थोड़ा सा ड्राई हो गया है बट डजंट मैटर. दिस इज माई टील ब्लू कलर. दिस इज माई ब्रश. तो अब कैसे है कि सेव योर बर्ड, बर्ड के अंदर लाइन्स के अंदर अगर थोड़ा थोड़ा आ जाता है कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बाहर की खाली जगह है वहां पे पूरा कलर होना चाहिए. ये देखो बीच बीच में ना ब्लू है डिजाइन के, सो दैट शुड कम नाइसली. एक और चीज, मैंने ओरिजिनल फोटो भेजी थी क्या? आई थिंक नहीं भेजी थी. तो आई एम सेंडिंग इट ऑन द उसमें येलो कलर था, बीज येलो समथिंग. आई थिंक आई कैन नॉट सेंड इट राइट नाउ क्योंकि वो दूसरे फोन में है, ये इस फोन से मैं भेज नहीं पाऊंगी. चलो वट एवर, लीव इट. आगे बढ़ते हैं, मैं बताती जाऊंगी, वैसा वैसा करते जाना और बाद में मैं फोटो भेज दूंगी. सो सबसे पहले वी नीड टू डू द बैकग्राउंड, बट मेक श्योर कि ये अंदर ब्लू कम से कम जाए. ये आउटलाइंस हैं जो बर्ड की, इसके अंदर ब्लू कम से कम जाए. ओके बाहर करो, अच्छे से करो, लेकिन अंदर बर्ड के कम से कम जाए ये कोशिश करना. सो इफ यू आर यूजिंग अल्ट्रा मेरीन ब्लू, टेक जस्ट अ सिंगल थ्रेड ऑफ अल्ट्रा मेरीन ब्लू. इफ यू आर टेकिंग टील ब्लू, टेक सम टील ब्लू, मिक्स अलॉन्ग विथ. और ये नीलू एक बार रिपीट करोगी क्या, ये ब्लू कैसे बनाना है? कलर ओके, कौन से कलर मिक्स करने? तो कलर बनाने के लिए अगर आप अल्ट्रामरीन ब्लू यूज कर रहे हो, ये थोड़ा सा डार्क ब्लू होता है, आप देखोगे शेड में बहुत अंतर है. तो जस्ट अ सिंगल थ्रेड ऑफ अल्ट्रामरीन ब्लू. ये टील ब्लू कलर है जो मेरे ब्रश पर है. दिस सी, दिस इज अ बिट क्लोजर टू द बैकग्राउंड, है ना. तो अगर आप अल्ट्रामरीन ब्लू यूज कर रहे हैं तो बहुत ही कम कलर लेना है, जस्ट अ सिंगल थ्रेड, बहुत ही कम. एक अपने जो भी आपके पास कलर मिक्सिंग के लिए पैलेट है या जो भी है, बोल है या प्लेट है, जो भी है, उसमें यू टेक योर कलर. ओके, टेक अ बिट ऑफ वाइट ऑल्सो एंड मिक्स इट. सी आई हैव टेकन ultramarine blue and I am mixing white with it. बहुत हल्का सा कलर बन गया. I have mixed ultramarine blue with white. And बहुत ज्यादा मिक्सिंग करके सेम कलर नहीं बनाना है क्योंकि ultramarine blue या teal blue लिया है तुमने. हाँ, this is either ultramarine blue or teal blue. Teal blue भी मैंने बहुत कम लिया है और ultramarine blue तो और कम लेना है. टील ब्लू लेना नहीं, इफ यू हैव टील ब्लू देन इफ यू डोंट हैव टील ब्लू यूज अल्ट्रामरीन ब्लू. ओके, हमें बहुत लाइट शेड ऑफ ब्लू बनाना है, अराउंड स्काई ब्लू टाइप का कलर है ये. एक फेविक्रिल में एक कलर और शेड भी आता है विच इज कॉल्ड स्काई ब्लू, तो आप वो शेड भी यूज कर सकते हो. वो भी ऐसे ही टील ब्लू जैसे ही कलर होता है. यू कैन यूज दैट शेड. ओके, ये कोबाल्ट ब्लू नहीं यूज कर सकते? कौन सा ब्लू? कोबाल्ट कुछ तो है. कोबाल्ट ब्लू कलर दिखाइए एक बार. एक पर्शियन ब्लू है. कोई सा भी आप ब्लू यूज करो, अगर डार्क है तो उसको लाइट करना है. यू कैन यूज एनी ब्लू, but if it is darker make the shade lighter by mixing white to it. dikh raha hai aapko nilu? dikh raha hai kya? ha ye blue aap use kar lo, isme white milao. theek hai, bas ye do hi color rahenge na ye. ha agar blue ka dark shade hai mix white to it. okay, so I have mixed white to this teal blue color and as you can see in this beech beech mein white shade ka white color ka shading hai. ye wala blue is lighter than the sides of blue. so what I have done is ki pehle side se shuru kiya. see
ओके आई स्टार्टेड विद माई साइड्स एंड जैसे जैसे मैं सेंटर में आऊंगी आई एम मिक्सिंग व्हाइट टू इट. जैसे पर्ल वाले कलर यूज नहीं कर सकते, जैसे मेरे पास एक पर्ल ब्लू है, पर्ल वाले कलर्स में थोड़ा शाइन रहता है, क्यों नहीं यूज कर सकते? आप कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, बट वो कलर्स थोड़े थिन कलर्स होते हैं और उनमें शाइन होता है, तो इट डिपेंड्स कि आपको कैसा चाहिए. बिल्कुल यूज कर सकते हो इफ यू वॉन्ट. सो मैंने टील ब्लू कलर में जब कम व्हाइट मिक्स था तो उससे आई डिड द कॉर्नर्स पे एंड जैसे जैसे आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर आई एम मिक्सिंग व्हाइट, तो थोड़ा सा और लाइट शेड ऑफ ब्लू बन रहा है. एज आई सेड बर्ड के अंदर जितना कम से कम जाए ये कोशिश करनी है. अगेन द सेम थिंग जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर हम बैकग्राउंड पूरा एक सा कलर कर लेते हैं उसके बाद ट्रेसिंग करते हैं तो भी चलेगा. ओके क्योंकि हमने ट्रेसिंग पहले कर ली है इसलिए आई एम टेलिंग यू कि बर्ड के अंदर ना जाए. अगर हम बाद में करते तो हम पूरा बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं उसके बाद बर्ड पे आते. ग्रीनिश तो नहीं बन रहा मेरा, तो ब्लू जा रहा है. ब्लू ही बन रहा है, ग्रीन नहीं बनेगा, ब्लू ही बनेगा. ये ब्लू है तुम्हारा, थोड़ा सा अलग ब्लू है ना दूसरे वाला, तो वो इट डजंट मैटर. ये टील ब्लू का शेड है ना, इट डजंट मैटर, दिस शेड इज ऑफ टील ब्लू इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, ये है ब्लू ही. सो आई एम मिक्सिंग अ बिट ऑफ ब्लू and some more white. Can you please mute your mic? जरूरत हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा. ओके क्रेन बर्ड. ओके तो हम इसलिए इसे व्हाइट कर रहे हैं, लेकिन बर्ड्स तो हम कोई सी भी बना सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम स्पैरो बनाएंगे या दूसरी बर्ड बनाएंगे, तो कोई सी भी बर्ड बना सकते हैं. See, this background is colored. थोड़ा सा shaded shaded background किया है हम लोगों ने. तो हमने पहले से पूरा कलर मिक्स करके इसलिए नहीं किया है, वरना शेड्स हल्के आते. So we mixed in between, we mixed white also along with blue. ऐसे better है या ऐसे? See, this is blue. I think this is better. Ma'am, I'm not able to see your screen. Swipe करो, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो लेफ्ट राइट स्वाइप करो. बाकी लोगों की स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है. लेफ्ट राइट स्वाइप आपकी सिर्फ इनको अच्छा मिल गई. थैंक यू.
just finished blue color. जितनी बार भी करते हैं थोड़ा थोड़ा शेड में अंतर आता है, तो जो मेरे पहले की बनी हुई है उसका शेड थोड़ा सा और लाइट है, ये वाला शेड थोड़ा सा डार्क है. तो इट डजंट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन विच कलर यू आर यूजिंग. मे बी लास्ट टाइम जब मैंने ये वाला किया था आई यूज्ड स्काई ब्लू कलर, क्योंकि मेरे पास स्काई ब्लू भी है. सो मे बी आई यूज स्काई ब्लू और एनी अदर ब्लू, और मे बी अल्ट्रा मेरीन का थोड़ा सा शेड, और मे बी ऑल शेड्स मिक्स टूगेदर अलॉन्ग विद व्हाइट. तो जैसे जैसे हम कलर्स जो है वो शेड जो है वो बना सकते हैं. इट इज जस्ट दैट हमें स्काई ब्लू का सिमिलर शेड बनाना है, स्काई ब्लू से मिलता जुलता शेड बनाना है. मेरा ये थोड़ा ऐसा कलर बन रहा है, देखो जरा इसे थोड़ा और लाइट करूं. ठीक है शेड, आप थोड़ा सा और व्हाइट मिला सकती हो इसमें, लेकिन ऐसे भी ठीक है. ओके ओके, सो दिस इज आवर बैकग्राउंड. नाउ वी डोंट नीड फ्लैट ब्रश, अब हमको चाहिए थोड़ा थिक राउंड ब्रश. आई एम यूजिंग 6 नंबर राउंड ब्रश. ओके, एंड वी आर गोइंग टू डू व्हाइट. तो हमारी जो क्रेन है उसमें हमें व्हाइट से कलर फिलिंग करना स्टार्ट करना है. और व्हाइट के शेड्स, व्हाइट को बहुत ब्राइट बनाने के लिए हमें कभी कभी 2-3 बार भी शेड्स करना पड़ता है. मींस 2-3 लेयर्स ऑफ व्हाइट, देन इट बिकम्स मोर ब्राइटर एंड लुक्स गुड. So here I am doing the feathers, first coat of white color. Aram Aram se karo patiently. Because it is a small painting, तो बाहर अगर चला जाएगा then again you have to do the background. So check for the outline. So wherever there is white color, as you can see here, जहां जहां पर भी white color है, we are filling it. नीलो एक बार ये देखो. एक मिनट कैमरा कहाँ से करूँ ये. दिखा हुआ मैं देखती हूँ. एक मिनट ये. हाँ
देखो व्हाइट करो और ज्यादा वैसे तो ठीक लग रहा है। अच्छा ठीक है, अगर बैकग्राउंड ठीक हो गया है तो फिर ज्यादा डार्क नहीं करो, अगर इतना हो गया है तो ठीक है, कोई नहीं है। ओके ओके, तो व्हाइट मैंने वैसे लिया था बट आई थिंक ये फोटो में और ज्यादा डार्क लग रहा है। इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ओके ओके। जस्ट फिनिशिंग हर फर्स्ट लेयर ऑफ व्हाइट। पूरे बर्ड में व्हाइट करना है? आप पूरे बर्ड को भी कर सकते हो अंदर की, लेकिन लाइंस अगर इरेज हो जाएंगी तो वो देख लेना, ठीक है? बिकॉज अगेन देन यू हैव टू रीड्रॉ इट, तो उसको संभाल के करना सो दैट रीड्रॉइंग की जरूरत नहीं पड़े। ओके दोबारा से अगर उसको बनाना पड़ेगा तो टाइम और जाएगा, राइट? तो इसलिए अंदर की लाइंस जो है उनको थोड़ा बस बचा के करो, बाकी हो जाएगा। फर्स्ट कोट इज डन मेरा, एक कोट और करेंगे सो दैट वो और ब्राइट एंड अच्छा दिखने लगे। तो आई एम अगेन डूइंग अ सेकंड कोट, फटाफट से जहां एंड्स है ना लाइंस के उस तरफ बस मैं थोड़ा सा कर दे रही हूँ सो दैट इट लुक्स ब्राइटर। नीलू एक बार मेरा जरा चेक करोगे प्लीज? हाँ, 1 मिनट। बैकग्राउंड दिखाइए, 1 मिनट। हाँ सही लग रहा है, लेकिन अभी देखिएगा जो इसकी बीक है ना, हेड पोर्शन जो है बर्ड का बीक के पास, वहां पे थोड़ा सा जगह व्हाइट दिख रही है जहां पे ब्लू होना चाहिए। हाँ वो मैं बाद में करूंगी। ठीक है, ठीक है। बर्ड करने के बाद वो पतले ब्रश से करना पड़ेगा ना? हाँ, या फिर अगर फ्लैट ब्रश से ही कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा साइड में करके करना पड़ेगा, मतलब एंगल चेंज कर लेना ब्रश का। ओके ठीक है, मैं करूंगी। सो दिस व्हाइट इज डन। ओके Now I will need my thin brush, क्योंकि मैं रेड और ऑरेंज करने जा रही हूँ। So this is, I am using 2 number brush. You can use 0 या 1 या 2, 3 जो भी number का brush आपके पास है। And I am doing orange. Legs कर रही हूँ with orange color. You can see हमारी बर्ड के ऑरेंज लेग्स हैं। रेड एंड ऑरेंज कलर थोड़ा सा यूज करें फिर भी वो उसको किसी भी चीज को इतना हाईलाइट एंड ब्राइट कर देता है ना दैट इट स्टार्ट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। सो वी आर गोइंग टू डू इट विद ऑरेंज। ओके द सेकेंड लेग, ये पीछे से जो आ रहा है ये दूसरा लेग है।
लेग सिर्फ हाफ हाफ लेग्स जो है वो ऑरेंज है, फुल लेग्स ऑरेंज नहीं है. देन आई विल डू द बीक पोर्शन विच इज रेड एंड देन आई विल डू द ग्रे फेदर्स. ये फेदर्स को छोड़ के बाकी सारा व्हाइट करना है. व्हाइट है हाँ, ये ओरिजिनल है जो मैंने ऊपर रख दिया है सामने और okay. ये हम अभी बना रहे हैं. ठीक है व्हाइट के लिए कोई भी ब्रश यूज कर सकते हैं ना, फ्लैट या राउंड. मैंने 6 नंबर ब्रश यूज किया है. राउंड राउंड ब्रश ओके. आप 4, 5, 6 कोई सा भी यूज कर लो जो आपके पास है. And legs and beak. This we are doing with. I am doing with 2 number. You can use 2, 3, 1, जो भी आपके पास हो. Beak is also done. फेदर्स के लिए हमने जो ग्रे फेदर दिख रहा है उसके लिए इधर मिक्स ब्लैक विद व्हाइट और मिक्स योर पर्ल विद पर्ल मेटालिक कलर विद व्हाइट. मैंने पहले वाली में पर्ल मेटालिक यूज किया था एज आई हैव शोन यू माय पर्ल मेटालिक कलर. आज ब्लैक यूज कर लेते हैं जस्ट फॉर अ चेंज. तो सेम चीज ये है कि ग्रे कलर बनाना है तो वी हैव टू यूज वेरी लिटिल ब्लैक, व्हाइट ज्यादा एंड ब्लैक कम, जस्ट अ सिंगल थ्रेड ऑफ ब्लैक. थोड़ा सा ब्लैक, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक आई एम यूजिंग. ओके कुछ इस तरह का ग्रे सा शेड बन रहा है, बहुत लाइट सा विद ब्लैक एंड व्हाइट. कैन यू सी इन द कॉर्नर, बहुत हल्का सा ग्रे शेड. कैन यू सी द ग्रे शेड, बहुत हल्का सा ग्रे है. उससे हम फेदर करने वाले हैं. फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड पेंट करेंगे.